भोपाल में कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सरकार से अमानक दवाइयों की सप्लाई को लेकर जांच की मांग की है और अमानक दवाइयों से जिन लोगों की जान गई है उन्हें मुआवजा दिलवाने की भी अपील की है। भोपाल के शासकीय डॉक्टर एसोसिएशन ने सरकार को पत्र लिखा है और सरकारी अस्पतालों में अमानक दवाइयों की सप्लाई होने की आशंका जताई है। साथ ही सरकार से कार्यवाही करने की मांग की है और जिन लोगों की अमानक दवाइयों की वजह से जान गई है उन्हें मुआवजा दिलाने की अपील की है। साथ ही डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा है कि मैं एक सर्जन हूं, जानता हूं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स 10-15 सेकंड में अपना असर न दिखाए तो जान चली जाती है। छोटे स्तर पर कार्यवाही न हो, जो मंत्रियों के बराबर मगरमच्छ बैठे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं बची है। अभी एक महीने में 4 बार फर्जी दवाइयां पकड़ी गई हैं। खुद डॉक्टर एसोसिएशन ने, जो गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन, उनने लेटर दिया है गवर्नमेंट को कि इसकी जांच होना चाहिए। देखिए, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, मैं ये जानता हूँ कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं अगर वो 10 सेकंड में 15 सेकंड में अपना असर नहीं दिखाती तो लोगों की जान चली जाती है। तो क्या सरकार ये बताएगी कि कितने लोगों की जान इन दवाओं के कारण गई है? और क्या जो इन्होंने हेल्थ कमीशन, जो कॉरपोरेशन, हेल्थ कॉरपोरेशन बनाया था जिसने ये दवाइयाँ सप्लाई करवाई हैं, उस पर कार्रवाई होगी? क्या मुख्यमंत्री जी उन पर कार्रवाई करेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।